तो इस सेमेस्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम है एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर कॉम्स आईटी दोनों को कॉमन था, आपको भी पता है, आपके साथ आईटी स्टूडेंट भी बैठते थे। एओए इज एक्सक्लूसिव फॉर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। हाँ, लेकिन अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जो चाइल्ड ब्रांचेस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूजिंग एमएल या कंप्यूटर साइंस यूजिंग एमएल एआई वगैरह, इन सबको भी ये सब्जेक्ट अपने सेमेस्टर 4 में है। एओए सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो यस, पॉइंट नंबर 1, ये आपके डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर में कैसे, हमने अलग अलग प्रोग्राम्स देखे थे, इस बार हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ये आपके मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट है, मतलब इसके अंदर ना थियोरी ना के बराबर है, प्रोग्राम्स ना के बराबर है, लेकिन यस, इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा लगता है, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह में अच्छा लगता है करने के लिए, मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, तो दिस सब्जेक्ट इज फॉर यू। यस, पॉइंट नंबर 2, एग्री, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ योर एंटायर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करिकुलम। टीसीएस, एसपीसीसी और एओए, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट है। टीसीएस, एसपीसीसी आप आगे जाके देखने वाले हो, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट है जो तुम्हारे इंजीनियरिंग करिकुलम में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माने जाते हैं। इसके अंदर भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, बहुत सारा मैथमेटिक्स करना है, बहुत सारा मैट्राइसेस, लिमिट्स, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद सिर्फ यही है कि आप कोई भी लेक्चर, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मिस मत कीजिए। आपको पता है जो भी सिलेबस के अंदर है, मैं आपको 100% सब कुछ सिखाऊंगा। नोटबुक के अंदर अच्छे से मेंटेन कीजिए, ट्रस्ट मी, पेपर नोटबुक में से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस चलो इस सेमेस्टर का श्री गणेशा करते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विथ माई न्यू सब्जेक्ट, एनालिसिस ऑफ अल्गोरिथम। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू, वेट अ मिनट। अच्छा स्टूडेंट, इज माई स्क्रीन विजिबल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। ओके। एंड आपको भी विजिबल है, राइट, है ना? यस। सो द नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट इज एनालिसिस ऑफ अल्गोरिथम्स। इस बार ना मैं जब आपके साथ शेयर करूंगा, आपको पता है मैं ड्राइव के ऊपर सब कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस टाइम आई वोंट शेयर दी प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स मैंने बोला है ही नहीं, कुछ हार्डली कुछ 4-5 प्रोग्राम्स है जो हम लोग इधर ही सिखाएंगे। दिस टाइम आई विल शेयर दिस वन नोट, क्योंकि इस वन नोट के ऊपर इसका पीडीएफ बना के चैप्टर वाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एज सुन एज आवर चैप्टर गेट फिनिश, क्योंकि इसके ऊपर ही सारे प्रॉब्लम्स अपने को सॉल्व कर। तो मेरा पहला चैप्टर है एओए का इंट्रोडक्शन, मतलब ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन अबाउट एनालिसिस ऑफ अल्गोरिथम्स। अभी अल्गोरिथम का अगर मुझे इंट्रोडक्शन पढ़ना है तो सबसे पहला डेफिनेशन तो दिमाग में आता है, व्हाट इज अल्गोरिथम? अल्गोरिथम मतलब क्या, व्हाट इज अल्गोरिथम? ये तो आपने सीपी के अंदर पढ़ा था ना अल्गोरिथम, क्या कोई डेफिनेशन बता पाएगा व्हाट इज अल्गोरिथम? हाँ, अल्गोरिथम का आपने डेफिनेशन पढ़ा रहेगा, इट इज वी कैन से स्टेप वाइज प्रोसीजर, बरोबर ना, विच इज यूज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मतलब क्या होता है मेरा, अल्गोरिदम। आज सब बेसिक बेसिक देखेंगे एओए का, एक्चुअल नेक्स्ट लेक्चर से अपन चालू करेंगे, आज लास्ट में सिर्फ एक पार्ट चालू करूंगा। अच्छा, तो मैं बोला अल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर, आपको पता है अल्गोरिदम हम लोग स्टेप बाय स्टेप नॉर्मली लिखते हैं, विच इज यूज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग, भले वो एरे को सॉर्ट करने का प्रॉब्लम हो, भले वो फैक्टोरियल निकालने का प्रॉब्लम हो, या भले वो ट्रायंगल का एरिया निकालने का प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखता हूं उसको मैं क्या बोलता हूँ, अल्गोरिथम। अभी प्रॉब्लम ये है कि जैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, वैसे हर एक का थिंकिंग भी अलग अलग होता है। आई मीन टू से, अगर मैंने आपको ही सपोज एक प्रॉब्लम दिया पी करके, और मैंने बोला एक काम करो सब लोग इसका अल्गोरिथम लिख के दो मुझे इस प्रॉब्लम का, पहली बात तो आप कॉपी नहीं करोगे, राइट, है ना? अगर आपने कॉपी नहीं किया तो कहना से सेम प्रॉब्लम का इट मे पॉसिबल कि
कि सबका एल्गोरिथम अलग अलग हो सकता है, प्रॉब्लम सेम है लेकिन कोई एल्गोरिथम A1 लिखेगा, कोई सेम प्रॉब्लम के एल्गोरिथम A2 लिखेगा। एग्री, ऑलमोस्ट सेम रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत अलग अलग रहेगा ना रे। कोई सेम प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम A3 लिखेगा, कोई सेम प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम A4 लिखेगा। आई मीन टू से एक प्रॉब्लम के मल्टीपल एल्गोरिथम मुझे मिल सकते हैं। अभी एज अ टीचर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरे सामने एल्गोरिथम आपने मुझे बना के दिए उनमें से बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है? हाउ कम आई नो कि यार दिस इज द बेस्ट एल्गोरिथम, इसका एल्गोरिथम सबसे बेस्ट है? मुझे कैसे पता चलेगा देख के? एल्गोरिथम तो आप पेपर के ऊपर लिखते हो ना, एल्गोरिथम तो आप कंप्यूटर के ऊपर लिखते हो ना, हाउ कम आई नो इसमें बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है? तो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, वैसे एक प्रॉब्लम के मल्टीपल एल्गोरिथम्स भी होते हैं। हाउ कम आई नो विच इज द बेस्ट एल्गोरिथम? एक ऑथर है जिसका नाम है कैमरन, उसने ना ये टर्म कॉइन किया था। उसने बोला अल्गोरिदम में से बेस्ट अल्गोरिदम कौन सा है, ये ढूंढने के लिए आपको एक टर्मिनोलॉजी यूज करना पड़ता है जिस टर्मिनोलॉजी का नाम है कॉम्प्लेक्सिटी। क्या नाम है टर्मिनोलॉजी का? तो स्टूडेंट, मैं एज अ टीचर मुझे क्या डिसाइड करना है, कौन सा बेस्ट अल्गोरिदम है? तो बेस्ट अल्गोरिदम ढूंढने के लिए मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा? कॉम्प्लेक्सिटी। मेरा वो ऑथर बोलता है कि कॉम्प्लेक्सिटी के ना टोटल दो टाइप्स है। द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड एज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वेयर एज द सेकंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड एज अ स्पेस और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी। आप सुन रहे हो क्या? कौन से दो टाइप्स है? जरा रिस्पॉन्स दे रहे ऑनलाइन स्टूडेंट, इवन यू शुड ऑल्सो सपोज टू रिस्पॉन्स। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कौन सा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मेरे ऑथर का कहना यह है कि इन दो फैक्टर को यूज करके आप डिसाइड कर सकते हो बेस्ट अल्गोरिदम कौन सा है। सर एक मिनट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या पहले वो तो बताइए स्टूडेंट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन ऑथर बोलता है इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम required to solve a problem। समझे ना मेरा हैंडराइटिंग? क्या मैंने बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब इट इज दी अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम था ना आपके पास पी करके, उसको सॉल्व करने के लिए जो टाइम लगता है उसको मैं बोलूंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सेकेंड स्पेस, स्पेस का मतलब मैंने बोला मेमोरी। अगर किसी ने पूछा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन क्या है तो इट इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना टाइम लेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना मेमोरी लेगा। अभी स्टूडेंट ये आप भी एग्री करोगे, कॉमन सेंस की बात है, जो अल्गोरिदम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम टाइम लेता है लेस टाइम लेता है, जो अल्गोरिदम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेस मेमोरी लेता है, कैन आई सो मेरे लिए बेस्ट अल्गोरिदम रहेगा? अरे भाई हाँ है ना। लेकिन वही जो अल्गोरिदम ज्यादा टाइम लेगा, जो अल्गोरिदम ज्यादा मेमोरी लेगा, वो मेरे लिए कहना से वर्स्ट अल्गोरिदम रहे। तो उसने बोला अगर आपको डिसाइड करना है ना कौन सा बेस्ट अल्गोरिदम है कौन सा वर्स्ट अल्गोरिदम है, ये दो टर्म यूज करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर से डेफिनेशन क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का? अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अच्छा विथ योर परमिशन मैं थोड़ा सा इनके अंदर अपडेशन करता हूं एक बार फिर से स्टूडेंट। मेरे लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन क्या बोला? अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व, लेकिन इसके अंदर आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए जो टाइम लगता है वो, मतलब पूरा टाइम देखो लेकिन इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए जो टाइम लगता है ना वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो वो छोड़ के जो टाइम लगता है ना दैट इज कॉल्ड एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इनपुट को एक्सेप्ट करने का टाइम मतलब समझ में आता है क्या? इनपुट मतलब सबको समझ में आता है ना। मैं यूजर को बोलता हूं ना एंटर 5 नंबर, बंदा 5 नंबर एंटर करेगा, वो जो टाइम लगता है ना उसको एंटर करने के लिए वो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने दो यूजर को बोला एंटर 10 नंबर एंटर 10 नंबर,
किसी का अगर टाइपिंग स्पीड फास्ट है तो 10 नंबर फटाफट एंटर करेगा, किसी का टाइपिंग स्पीड स्लो है तो वो स्लो स्लो एंटर करेगा, लेकिन उसका अल्गोरिथम के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना स्टूडेंट, इसके लिए वो टाइम आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कौन सा टाइम? इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए जो टाइम लगता है वो। एंड दूसरा डेफिनेशन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज इट? आवाज नहीं आ रहा है मुझे। अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अगेन एक्सक्लूडिंग इनपुट मेमोरी। इनपुट मतलब समझ में आता है ना, आपके प्रोग्राम के अंदर जो इनपुट तुम लेते हो ना वो एक्सक्लूड आपको करना पड़ेगा, वो छोड़ के जो मेमोरी होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो अभी मैं एक बार रिवीजन के साथ डेफिनेशन बोलता हूं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एक्सक्लूडिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एक्सेप्टिंग इनपुट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज वॉट? Amount of memory required to solve a problem excluding memory required by the inputs. तो मेरे authors का कहना ये दो terminology use करके आप identify कर सकते हो which is your best algorithm, which is your worst algorithm. अब ये आगे जाके जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई लोगों ने ना student space complexity को use करना बंद कर दिया। क्योंकि आजकल ना स्टूडेंट इवन आप भी अग्री करोगे मुझे मेमोरी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मेमोरी के साथ कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। अगर कोई अल्गोरिदम 4 MB ले रहा है, कोई अल्गोरिदम 5 MB ले रहा है, तो भी 1 MB से आजकल आपने को पता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास तो अभी 13 TB में हार्ड डिस्क आ चुका है, राइट है ना? तो MB से या KB से मुझे आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीछे रह गया, अपने को मेमोरी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वी स्टिल रिक्वायर टाइम, बरोबर ना? 4 MB का 5 MB ले रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 मिनट का डाउनलोडिंग अगर 5 मिनट ले रहा है तो वह एक्स्ट्रा मिनट भी अपने को फ्रस्ट्रेट करता है, बरोबर ना? हम लोग वाईफाई चेक करते हैं भाई इंटरनेट का स्पीड स्लो है कि नहीं। Are you getting me? We want faster world. तो सबसे important माना जाता है time complexity. इसके लिए student हम लोग भी ना अपने AOA के syllabus में पढ़ने वाले हैं time complexity. Time complexity मतलब सबको पता है ना, amount of time required to solve a problem. अभी दूसरा question ये आता है, सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन तो आपने 4-5 बार बोला, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट कैलकुलेट कैसे करूं कितना टाइम लगता है? क्या स्टॉपवॉच थोड़ी लगा के बैठेंगे कि भाई हाँ ये 2 सेकंड में हो रहा है, ये 3 सेकंड में हो रहा है? हर बार हम लोग स्टॉपवॉच लेके नहीं चेक कर सकते ना। सो हाउ कम वी नो ये अल्गोरिदम कम टाइम लेता है, ये अल्गोरिदम ज्यादा टाइम लेता है? तो अल्गोरिदम कितना टाइम लेता है ये हम लोग सेकंड्स में या मिली सेकंड्स में मेजर नहीं करते। बहुत फास्ट फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं ना, मैंने बोला अल्गोरिदम कितना टाइम लेता है ये हम लोग टाइम या सेकंड में मेजर नहीं करते। अल्गोरिदम कितना टाइम लेता है ये कैलकुलेट करने के लिए अपने को एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है असिम्प्टोटिक नोटेशन। क्या नाम है कॉन्सेप्ट का? आगे जाके मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा इसका सिर्फ ब्रीफ दे दूं। असिम्प्टोटिक नोटेशन मुझे बताएगा कि मेरा अल्गोरिदम कितना टाइम लेता है। तो अल्गोरिदम कितना टाइम लेता है ये बताने का काम करता है असिम्प्टोटिक नोटेशन, और असिम्प्टोटिक नोटेशन अल्गोरिदम कितना टाइम लेता है ये बताने के लिए सेकंड मिली सेकंड वगैरह यूज नहीं करता। असिम्प्टोटिक नोटेशन अल्गोरिदम कितना टाइम लेता है ये बताने के लिए यूज करता है फंक्शंस। क्या यूज करता है? असिम्प्टोटिक नोटेशन में टोटल 3 टाइप के फंक्शंस है। जो पहला फंक्शन है टाइम बताने के लिए, उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम है बिगो नोटेशन।
क्या नाम है फंक्शन का, उसको ना कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए उसको बिग ओ बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन को ना स्टूडेंट कभी कभी कुछ कुछ टेक्स्ट बुक के ऑथर अपर बाउंड भी बोलते हैं। अपर बाउंड का मतलब क्या पता है, बिग ओ नोटेशन आपको बताएगा कि आपका अल्गोरिदम मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम कितना टाइम लेगा, मैक्सिमम कितना टाइम लेगा मतलब समझ में आता है क्या, कंडीशन सारे खराब है तो मैक्स टू मैक्स ये कितना टाइम लेगा ये मुझे बताएगा मेरा बिग ओ नोटेशन। Whereas asymptotic notation में जो second notation है उसका नाम है omega notation। omega notation को हम लोग बोलते हैं lower bound। lower bound नाम से पता चलता है आपको, lower bound आपको बताएगा कि आपका algorithm कम से कम मतलब minimum कितना time लेगा, जब सारी परिस्थितियां बहुत अच्छी होगी best conditions रहेंगे तब एल्गोरिदम मिनिमम कितना टाइम लेगा ये मुझे बताएगा मेरा ओमेगा नोटेशन। वेरा स्टूडेंट जो मेरा तीसरा नोटेशन है, चला सिर्फ नाम याद रखो तो भी चलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने बोला हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले। द थर्ड नोटेशन इज कॉल्ड एज थीटा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा नोटेशन को हम लोग ऐसा थीटा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यही सिंबल होता है ना थीटा का। थीटा नोटेशन इज also कॉल्ड एज एवरेज बाउंड। अगेन आपको नाम से समझ में आ गया रहेगा, एवरेज बाउंड का मतलब है ऑन एन एवरेज आपका अल्गोरिदम कितना टाइम लेगा ये मुझे बताएगा मेरा थीटा नोटेशन। सुना मैंने क्या क्या बोला एक बार फिर से, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल अल्गोरिदम हो सकते हैं, यस और नो? मुझे कैसे पता चलेगा बेस्ट अल्गोरिदम कौन सा है? सर कॉम्प्लेक्सिटी यूज करो, ऐसा बोलने का क्या यूज करो? कॉम्प्लेक्सिटी के दो टाइप्स है, कौन कौन से? बराबर, उसमें से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ दो, वो तो अभी अपने को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है अपने लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? वेरी गुड, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अर्थात एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टाइम लगता है उसको मैं बोलूंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूंगा कैसे रे मैं? सर द आंसर इज असिम्प्टोटिक नोटेशन। क्या आंसर उसके लिए? असिम्प्टोटिक नोटेशन मुझे अलग अलग क्या प्रोवाइड करता है? आवाज नहीं आ रहा है, कौन से तीन टाइप के फंक्शन है? हाँ, बीगो है, ओमेगा है और थीटा है। बीगो को अपर बाउंड बोलते हैं क्योंकि मुझे कौन सा टाइम देगा, ज्यादा से ज्यादा ये एल्गोरिदम इतना टाइम लेता है, ऐसा हम बोलते हैं ना वर्ल्ड में, तो बीगो कम से कम इतना टाइम लेगा तो, एंड ऑन एन एवरेज इतना टाइम लेगा तो थीटा। Is this clear? Normally, yes, हम लोग हमेशा, आपको अंदर की बात बोलूं तो हम लोग हमेशा कंसिडर करते समय अल्गोरिदम का मैक्स टू मैक्स टाइम लेते हैं हमेशा। इसके लिए जनरल प्रैक्टिस में हम लोग हमेशा नॉर्मल यूज करते बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन मुझे मैक्स टू मैक्स वर्स्ट टू वर्स्ट टाइम देगा ना, तो हम लोग नॉर्मली क्या यूज करेंगे? बिगो नोटेशन। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? तो यार इन नोटेशन को यूज करके हम लोग अल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। अभी जो बोला वो प्रॉब्लम्स के थ्रू देखते हैं, तो आज ना पहले कुछ सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम्स लेता हूं और उनका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अप टिल नाउ इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए सर, एल्गोरिदम का आपने डेफिनेशन क्या बोला था सबसे ऊपर? एल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर विच इज यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम, राइट है ना? अच्छा, तो मैं बोल रहा था अभी कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम देखते हैं और उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, सो दैट यू कैन कम टू नो भाई ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता कैसे है। सबसे पहले लेट मी टेक वन सिंपल सा प्रॉब्लम। I want to check whether my number is even or odd। सुना प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगती है तो सबको आता ही है। क्या चेक करना है दोस्तों मुझे? नंबर इवन है या ऑड है? मुझे अल्गोरिदम का निकालना है ना कॉम्प्लेक्सिटी, तो पहले इसका अल्गोरिदम लिखते हैं। अल्गोरिदम लिखने का सबका स्टाइल अलग अलग होता है,
मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं बस मेन उसका जो कॉन्सेप्ट है वही लिखता हूँ. अज्यूम करता हूँ इवन ऑड है, यानी वो चेक करने के लिए देर इज वन फंक्शन, फंक्शन का नाम अज्यूम करता हूँ इवन ऑड करके नाम है. क्या नाम है फंक्शन का, क्या काम किया इस फंक्शन का, चेक करना क्या है या नहीं. तो एक काम करता हूँ इवन ऑड है कि नहीं चेक करने के लिए, कहने से इसको मुझे एक नंबर देना पड़ेगा. अज्यूम करता हूँ कि नंबर है मेरा एन, क्या नंबर है मेरा, तो एन को मुझे चेक करना है वेदर इट इज इवन और ऑड. क्या लॉजिक है उधर इवन ऑड का, बरोबर. तो मुझे अंदर लिखना पड़ेगा इफ एन मॉड्यूलस टू इक्वल टू क्या जीरो. तो कह रहे से अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट करूंगा बोलो ना, इवन नंबर बरोबर. एल्स क्या प्रिंट करूंगा मैं, तो कह रहे से इधर मुझे प्रिंट करना पड़ेगा प्रिंट ऑड नंबर बरोबर. स्टूडेंट अभी मुझे देखना है इसमें एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कौन कौन से है, ध्यान से देख रहे हो ना सब लोग, क्या चेक करना है मुझे इसके अंदर. पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, एक काम करते हैं इधर मैं गोल्डन रूल से, तो इधर गोल्डन पेन से लिखता हूं. जब आप कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हो वी नीड टू इग्नोर द कंडीशन, कंडीशन वाले स्टेटमेंट को इग्नोर करने का मतलब उनको कॉम्प्लेक्सिटी निकालते समय कंसिडर नहीं करने का. अच्छा मेरे एल्गोरिदम में कंडीशन किधर लिखा है सबको दिख रहा है क्या, किधर लिखा है कंडीशन, इफ के आगे. तो मुझे वो स्टेटमेंट करना पड़ेगा इग्नोर, बाकी जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है जो रन होने वाले जो दिखने वाले उनको मुझे कंसिडर करना पड़ेगा. तो इफ वाला कहने से ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला वो हो जाएगा इग्नोर. दूसरा प्रिंट इवन नंबर कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, बरोबर कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, एक बार ना. तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए लेगा वन यूनिट टाइम. यूनिट कुछ भी हो सकता है उसके बारे में मत सोचो, लेकिन ये कितना लेगा, वन यूनिट टाइम. क्यों सर, क्यों सर, वन यूनिट टाइम क्यों, अरे क्योंकि वो एक ही बार होने वाला ना एग्जीक्यूट, तो वन यूनिट टाइम लेगा. एल्स कहने से ये वाला स्टेटमेंट भी कंडीशन का ही पार्ट है ना, इफ एल्स, तो कंडीशन को तो इग्नोर करने बोला है, तो मैं एल्स को भी क्या कर दूंगा, इग्नोर. भाइयों हाया ना, आगे क्या है एल्स के आगे, वो कितनी बार होने वाला है मुझे बताइए. तो कहने से वो लेगा वन यूनिट टाइम. अब एक क्वेश्चन है सब लोग ध्यान से आंसर देना, तो टोटल ये अल्गोरिदम कितना यूनिट टाइम लेगा. दो आंसर रॉन्ग है, कहने से टोटल अल्गोरिदम सिर्फ वन यूनिट टाइम लेगा. क्यों, इफ एल्स है ना स्टूडेंट, आइदर वो इफ वाला पार्ट होगा या फिर एल्स वाला होगा ना स्टूडेंट. अरे दोनों हो गए क्या एक साथ, नहीं समझ रहा लगता है मुझे, समझा तो सब लोग एक साथ एक तुल साथ एक सुर में बोलो, ये एल्गोरिदम कितने यूनिट टाइम लेगा. कहने से एल्गोरिदम लेगा वन यूनिट टाइम, डायरेक्ट एडिशन मत करो, सबको समझाया क्या, क्योंकि आइदर ये होगा और ये होगा राइट ना, तो ये एल्गोरिदम लेगा वन यूनिट टाइम. डियर स्टूडेंट अगर मेरा पूरा अल्गोरिदम एक यूनिट टाइम ले रहा है तो उस अल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने बोला हम लोग फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं बरोबर ना, उस अल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू वन यूनिट टाइम ना, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ, बिगो बोलोगे तो भी चलेगा ऑर्डर बोलोगे तो भी चलेगा. मैंने बोला था ना कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली बिगो यूज करते हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कंसिडर करेंगे ऑर्डर ऑफ वन. क्या कंसिडर करेंगे, सबने सुना समझा. दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट, मुझे ऐसा अल्गोरिदम लिख के दो जो दो नंबर को स्वैप करेगा. सिंपल सिंपल से कोड दे रहा आपको, सबको इनका कोड पता है, दो नंबर को क्या करना है मुझे, चलिए अल्गोरिदम बोलिए क्या आएगा. अज्यूम करता हूं कि मेरे पर्टिकुलर फंक्शन का नाम रहेगा स्वैप, चलेगा. कितने नंबर पास करने पड़ेंगे इसको, अज्यूम करता हूं दो नंबर रहेंगे ए और बी, ठीक है ना, स्वैप करके दो. चलो मुझे लगता है स्वैप करने के लिए आप तीसरा वेरिएबल यूज करने बोल रहे हो मुझे, टेम्प यूज करते चलेगा, वो तीन मैजिकल स्टेटमेंट सबको पता है. हाँ बोलिए,
हाँ मुझे लिखना पड़ेगा टेम्प इज इक्वल टू क्या ए आगे, ए इज इक्वल टू बी आगे, बी इज इक्वल टू टेम्प बरोबर, एंड कहने से मेरे दो नंबर क्या हो जाएंगे स्वैप। अरे हा या ना, इन तीनों के अलावा और कुछ जरूरत है मुझे? ऑब्वियसली बाद में दो नंबर को मैं क्या कर दूंगा प्रिंट, लेकिन स्वैप करने के लिए तीन स्टेटमेंट है बराबर। चलिए अपना अंदाजा लगाइए और मुझे बोलिए हर स्टेटमेंट कितना यूनिट टाइम लेगा। पहला तो हेडर है उसको छोड़ दो, टेम्प इज इक्वल टू ए एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है यस, कितना यूनिट टाइम, कितनी बार हो रहा है ये, एक ही बार हो रहा है ना, तो कितना यूनिट टाइम लेगा, वन यूनिट टाइम बरोबर। अच्छा ए इज इक्वल टू बी, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है बरोबर, तो कहने से इधर भी आएगा वन यूनिट टाइम। बी इज इक्वल टू टेम, ये भी एक ही बार होने वाला है बरोबर, तो ये भी लेगा वन यूनिट टाइम। अच्छा इधर इफेल्स था या नॉर्मल है, तो मुझे बोलो ये टोटल कितना यूनिट टाइम ले रहा है, तो मुझे बोलो एफ ऑफ एन क्या आएगा मेरा, थोड़ी देर पहले ऑर्डर ऑफ वन था, एकदम बराबर जा रहे हो तुम लोग, क्या आएगा ऑर्डर ऑफ थ्री आएगा बरोबर। अच्छा सुनो ऑर्डर ऑफ थ्री लिखोगे तो भी चलेगा, नो वन इज गोइंग टू कट योर मार्क्स, लेकिन उनका सारे ऑथर्स का सारे डिजाइनर का कहना ये है जब जब आपका कॉम्प्लेक्सिटी कोई कांस्टेंट नंबर होता है, जब जब आपका कॉम्प्लेक्सिटी कोई तो कांस्टेंट नंबर होता है, रादर देन राइटिंग द सेम नंबर, अभी आप कांस्टेंट नंबर को कब तक लिख सकते हो ना, ऑर्डर ऑफ फोर ऑर्डर ऑफ फाइव ऑर्डर ऑफ सिक्स कुछ भी जा सकते हैं ना वो नंबर, तो रादर देन राइटिंग एनी रैंडम नंबर आप उसके लिए डायरेक्ट लिखो ऑर्डर ऑफ वन। तो ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज ऑर्डर ऑफ वन, समझा? मतलब क्या पता है स्टूडेंट, अगर मैं आपके अल्गोरिदम चेक करने के लिए बैठा हूं तो मेरे लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम टाइम ले रहे, क्यों दोनों सेम टाइम ले रहे, क्योंकि दोनों का ऑर्डर दोनों का कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिला मुझे सेम। एम आई क्लियर, समझा? तो चलो गोल्डन रूल में एक नया रूल भी ऐड करता हूं, ऑर्डर ऑफ एनी कॉन्स्टेंट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज ऑर्डर ऑफ वन। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो कुछ इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, कुछ और सम्स का कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, बट फिलहाल मैं इधर एक पॉज लेता हूं। सबको अभी तक जो जो मैंने बोला सबको समझा? इज दिस क्लियर? पहले इतना लिख ले बाद में आगे बढ़ते, फाइन? चल ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू कंफर्टेबल? यस सर। अच्छा सब्जेक्ट का नाम तो, हाँ बोलिए ना प्लीज। सर मुझे वो ऑर्डर ऑफ थ्री को हमने ऑर्डर ऑफ वन कैसे लिखा वो नहीं समझा। ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ वन लिखने का, दैट इज द गोल्डन रूल। ओके सर समझा। तो ऑर्डर ऑफ थ्री होने दो, ऑर्डर ऑफ 300 होने दो, ऑर्डर ऑफ 500 होने दो, एनी नंबर विल बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ वन। यस सर, थैंक यू सर। यस चैप्टर वन इंट्रोडक्शन, चैप्टर का नाम लिखिए। नोटबुक बनाया सबने नया? नोटबुक इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्टूडेंट, सम से सारे सब नोटबुक के अंदर होनी चाहिए। चलिए ये दो डेफिनेशन पहले लिख दीजिए।
सर एक मिनट एक मिनट. हाँ 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 नॉट चेंज. डन सर. ओके. हाँ राइट एन एल्गोरिदम फॉर स्वैपिंग टू इंटीजर नंबर आल्सो फाइंड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. क्वेश्चन लिखिए. ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है राइट ना. पहले दोनों क्वेश्चन लिखिए, बाद में दोनों का आंसर एक साथ लिखेंगे. डोंट राइट द थर्ड वन. थर्ड वन अभी हम लोग इसके बाद देखने वाले. डन. दोनों क्वेश्चंस लिखे. अब उनका वो कॉम्प्लेक्सिटी का सम लिख दीजिए. पहला इवन ऑड वाला. सर वो ऑर्डर बिग ओ के जैसा भी लग रहा है ना नोटेशन. क्या 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 ऑर्डर? ऑर्डर मतलब बिग ओ. ओ कैपिटल ओ करने का बोलते समय, बिग लिखते समय ओ लिखने का, बोलते समय ऑर्डर ऑफ बोलने का. ओके. नॉर्मली हम लोग थीटा या ओमेगा बहुत रेयरली यूज करते हैं. नॉर्मली हम लोग बिग ओ ही यूज करते हैं बिकॉज वी ऑलवेज थिंक ऑप्टिमिस्टिक वे. मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा वो हम लोग कंसिडर करते हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगा तो अगर दोनों केस फॉल्स आते, अगर जीरो एंटर कर
तो जीरो मॉड टू जीरो आता है ना, इवन आ जाएगा, जीरो मॉड टू इज जीरो, जीरो इज द इवन नंबर ना आइडियली, नहीं आएगा एक्सेप्शन। अनलेस सर अंटिल एक्सेप्शन कब आएगा पता है, जब नंबर मांगा और तूने कोई तो अल्फाबेट एंटर किया तो एक्सेप्शन आएगा, अदरवाइज नेगेटिव नंबर के लिए भी अलग चलता है। एक्सेप्शन आए तो एक्सेप्शन के भी जो स्टेटमेंट है दैट आल्सो यू नीड टू काउंट। हाँ, वन 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 और वन यूनिट टाइम, वन यूनिट टाइम, वन यूनिट टाइम। एक्सेप्शन में आप नॉर्मली क्या करोगे, कोई तो स्टेटमेंट प्रिंट करोगे ना, एक्सेप्शन ऑकर्स दैट इज वन यूनिट टाइम। ओके स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट शैल आई प्रोसीड? यस सर। चलिए कुछ और सम्स देखेंगे, मतलब ये और दृढ़ हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा और पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये दो दो मार्क के लिए सम एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ मैं कोड आपके सामने लिखता हूं और उन कोड का आपको कॉम्प्लेक्सिटी निकालने बोला जाता। तो पहला कोड कुछ इस तरह से, इट्स अ सिंपल फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, एंड अंदर ना कोई स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैन बी एनीथिंग, लिखते समय जेनेरिक फॉर्म में हम लोग उसको स्टेटमेंट लिखते हैं। आप मुझे बोलो ये जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप कहां से कहां तक जा रहा है? वन से एन तक जा रहा है, मतलब ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा? एग्री करोगे ना, मतलब आप सब एग्री कर रहे हो ये अंदर का स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? आवाज नहीं आ रहा है, कहने से अगर n टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए लेगा n यूनिट टाइम। अरे जो एक बार होता है वो वन यूनिट टाइम लेता है, बरोबर? ये कितनी बार होगा तो ये कितने यूनिट टाइम लेगा? n। और कुछ है क्या? नहीं सर, इतना ही है। तो अगर मैं इसका टोटल टाइम निकालू, टोटल है आपको पता है ना, हम लोग फंक्शन के फॉर्म में निकालते हैं, क्या आएगा बताओ मुझे इसका कॉम्प्लेक्सिटी? आवाज नहीं आ रहा है। ऑर्डर ऑफ एन, क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ वन आया तो उसको हम लोग कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ एन आया तो इसको हम लोग लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मतलब ऑर्डर ऑफ वन से ऑर्डर ऑफ एन ज्यादा टाइम लेता है, समझा? तो अगर एक अल्गोरिथम मुझे ऑर्डर ऑफ वन दे रहा है, दूसरा अल्गोरिथम मुझे ऑर्डर ऑफ एन दे रहा है, मैं एज अ टीचर मुझे डिसाइड करना है बेस्ट अल्गोरिथम कौन सा है, किसको अवार्ड दू, ऑर्डर ऑफ वन वाले को ऑर्डर ऑफ एन वाले को? ऑर्डर ऑफ वन। अभी समझा कैसे डिसाइड करोगे? इज दिस क्लियर? एक और सम, सपोज मेरा अल्गोरिदम कुछ इस तरह से है, फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। बहुत दिनों बाद वन नोट के ऊपर लिख रहा हूं, हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है, संभाल लो जरा, वैसे भी गंदा आता है बट ठीक है। फॉर जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस, दिख रहा है सबको? एंड अंदर मेरा कोई भी एक स्टेटमेंट है, कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, इधर जे वाला लूप खत्म, इधर आई वाला लूप खत्म। नेस्टेड फॉर लूप, ऐसा नहीं कि आज पहली बार बता रहा हूं, नेस्टेड फॉर लूप आपने यूज किया है, चालू करें, मुझे बताओ क्या हो रहा है इधर? आई भी है, जे भी है, बरोबर? आराम से जाएंगे, मुझे बोलो आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगा? बरोबर, आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगा? वन। जब आई का वैल्यू रहेगा वन तो अंदर घुसेगा, जे कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? अरे आवाज नहीं आ रहा है, वन से लेके एन तक है ना, मतलब कहने से जे एग्जीक्यूट होगा एन टाइम्स, मतलब आई का वैल्यू जो वन रहेगा स्टेटमेंट कितना टाइम लेगा? कह रहे बरोबर, स्टेटमेंट लेगा एन यूनिट टाइम। अरे हा या ना? नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू क्या बनेगा? टू बनेगा ना स्टूडेंट, टू बनने के बाद अगेन अंदर आएगा, जे कहां से कहां तक जाएगा? अरे आई का वैल्यू जब टू बनेगा अंदर आएगा, जे फिर से वन से एन तक जाएगा ना स्टूडेंट, वन से एन तक कितना, मतलब अगेन आई का वैल्यू टू मिलने के बाद भी कितना टाइम लेगा? एन यूनिट टाइम लेगा।
नहीं समझा, अभी गलती मत करो, नेक्स्ट इटरेशन में आएगा तो क्या बनेगा? वेरी गुड, अंदर आएगा, जे कहां से कहां तक जाएगा? कितनी बार? एन टाइम्स मतलब कितना यूनिट टाइम? मतलब कहना है अगेन ये लेगा एन यूनिट टाइम, अरे हाय है ना ऐसा, फोर पे भी एन यूनिट टाइम, फाइव पे भी एन यूनिट टाइम, सिक्स पे भी एन यूनिट टाइम, ऐसा आए कब तक जाएगा? हाँ जी, मतलब लास्ट इटरेशन आई का वैल्यू क्या बनेगा? एन, आई का वैल्यू बनेगा एन, अंदर आएगा, जे कहां से कहां तक? आवाज नहीं आ रहा है, मतलब अगेन कितनी बार चलेगा? कहना ऐसा अगेन चलेगा एन यूनिट टाइम, बरोबर। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है? सर स्टेटमेंट एन यूनिट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन एन यूनिट टाइम, एन यूनिट टाइम, एन यूनिट टाइम, एन यूनिट टाइम, ऐसा कितनी बार हो रहा है? कितनी बार हो रहा है ऐसा? मतलब कहना ऐसे एन यूनिट टाइम एन बार हो रहा है। मेरा हिंदी थोड़ा सा गंदा है लेकिन सबको समझा मैंने क्या बोला, क्या कितनी बार हो रहा है? कह रहे से मेरा एन यूनिट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन कितनी बार? तो आपको समझा इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा डियर स्टूडेंट? इस अल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्या रहेगा इसका कॉम्प्लेक्सिटी? इसको ना क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद है ऑर्डर ऑफ वन, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद है ऑर्डर ऑफ, और क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ, आपको समझ में आ गया रहेगा, कॉमन सेंस की बात है। क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन तीनों में सबसे खराब माना जाएगा, मतलब किसी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ रहा है तो उसका अल्गोरिदम मेरे लिए बेस्ट अल्गोरिदम है, और किसी का अगर ऑर्डर ऑफ वन आ रहा है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट अल्गोरिदम है। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? एक और सब, नॉर्मली आप बोलोगे सर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हम लोग निकाल रहे हैं लेकिन इसका मतलब क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंडा क्या है पता है स्टूडेंट? ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या बिगो नोटेशन ये सब तब यूज में ज्यादा आता है जब आपके इनपुट्स बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इस चैप्टर नंबर वन में हम लोग ना टोटल तीन सॉर्टिंग टेक्निक देखने वाले हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सेलेक्शन सॉर्ट, और तीनों का हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करने वाले। अभी बबल सॉर्ट, सेलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इन तीनों का ना काम करने का तरीका लगभग सेम है। अगर मैं प्रोग्राम करूंगा ना बबल सॉर्ट का, अगर मैं प्रोग्राम करूंगा ना सेलेक्शन सॉर्ट का, अगर मैं प्रोग्राम करूंगा ना इंसर्शन सॉर्ट का, और तीनों को अगर मैं 10-10 नंबर सॉर्ट करने दूंगा तीनों का आउटपुट मुझे सेम टाइम पे मिलेगा। तो जब इनपुट्स मतलब समझ में आता है, मैंने तीनों को 10-10 नंबर दिए, अगर इनपुट्स की संख्या बहुत कम है तो सारे एल्गोरिदम ऑलमोस्ट सेम टाइम पे काम करते हैं, मतलब कौन बेस्ट है कौन वर्स्ट है समझ में नहीं आता। कौन बेस्ट है कौन वर्स्ट है समझ में कब आता है पता है? जब इनपुट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सेलेक्शन सॉर्ट, तीन सॉर्टिंग है, तीनों को 10-10 नंबर दिए, ऑलमोस्ट तीनों एक ही टाइम पे काम करेंगे आप, लेकिन तीनों में फर्क कब समझेगा पता है? जब तीनों को मैं 10-10 लाख नंबर दूंगा सॉर्ट करने के लिए, तब आप देखोगे एक अल्गोरिदम जल्दी सॉर्ट करता है, एक अल्गोरिदम टाइम लेता है। आप समझ रहे हो? मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटी ये सब जो मैं सिखा रहा हूं ये तब पिक्चर में आता है जब आपके इनपुट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है। इनपुट्स मतलब एन ना, एन को हम लोग नॉर्मल इनपुट लेते हैं, व्हेन एन का वैल्यू इज वेरी हाई तब कॉम्प्लेक्सिटी अपना रोल प्ले करता है। अदरवाइज अगर इनपुट्स बहुत 5-10 है ना तो सारे एल्गोरिदम सेम टाइम पे आपको रिजल्ट देंगे, तो फिर इनका कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह निकालने का कोई ज्यादा सेंस नहीं है। याद रखोगे ओरल एग्जामिनर पूछेगा कॉम्प्लेक्सिटी कब नॉर्मली पिक्चर में आती है, सर कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मली पिक्चर में तब आती है, कॉम्प्लेक्सिटी का सब फालतूगिरी तब होता है जब इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत ज्यादा होते हैं।
अगर नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत कम है तो कॉम्प्लेक्सिटी को कंसिडर करो, नहीं करो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बड़ो में आगे एक और सम जो मैं आपके सामने अभी लेने वाला हूं, मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फॉर I is equal to 1, I less than equal to n, I plus plus. इसके अंदर एक स्टेटमेंट नाम देते हो, सपोज स्टेटमेंट 1। लेकिन आपको पता है ना, एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा फॉर लूप भी तो हो ही सकते हैं ना स्टूडेंट। इस फॉर लूप के बाद एक और फॉर लूप है, फॉर I बोलूंगा तो भी चलेगा, दूसरा ये j बोलता हूं, चलो j is equal to 1, j less than equal to n, j plus plus. इसके अंदर स्टूडेंट मेरा स्टेटमेंट 2 है, दिख रहा है सबको? चलो सिंपल है, मुझे दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलो क्या आएगा। स्टेटमेंट 1 कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? हाँ, मतलब स्टेटमेंट 1 कितना यूनिट टाइम लेगा? आवाज नहीं आ रहा है मुझे, बरोबर। और स्टेटमेंट 2 कितना यूनिट टाइम लेगा? अरे पक्का कहने से स्टेटमेंट 2 भी लेगा n यूनिट टाइम। अच्छा ऐसा है क्या, आइदर स्टेटमेंट 1 होगा या फिर स्टेटमेंट 2 होगा? नहीं ना, दोनों होंगे ना स्टेटमेंट। तो अगर मैंने पूछा ये पूरा अल्गोरिदम कितने यूनिट टाइम लेगा, आप मुझे क्या बोलोगे? कहने से देगा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर रॉन्ग आंसर यार। अगर एन स्क्वायर आंसर देगा मतलब मैथ्स बहुत ही खराब है तुम्हारा। कितना देगा? कहने से मुझे देगा एन प्लस एन टाइम। अरे भाई हाया ना, आप बराबर बोल रहे हो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा क्या? ऑर्डर ऑफ, आवाज नहीं आ रहा है, ऑर्डर ऑफ 2n। क्या आएगा कॉम्प्लेक्सिटी? ऑर्डर ऑफ, स्टूडेंट जब आपके कॉम्प्लेक्सिटी में, ये गोल्डन रूल है, बाद में लिखता हूं गोल्डन कलर लेके, जब आपके कॉम्प्लेक्सिटी में कोई कोएफिशिएंट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, कोई ना कोई, आपको कोएफिशिएंट और पावर दोनों का मतलब समझ में आता है ना। इधर कोएफिशिएंट कौन है मेरा? अगर आपके कॉम्प्लेक्सिटी में कोई कोएफिशिएंट होता है तो उस कोएफिशिएंट को अल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी निकालते समय आपको करना पड़ेगा इग्नोर। इसका मतलब है, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ 2n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि रूल क्या है पता है क्या, कोएफिशिएंट मैटर नहीं करता, n का डिग्री, n का पावर मैटर करता है। सुना मैंने क्या बोला? एक काम करता हूं, गोल्डन रूल है, गोल्डन पेंसिल लिख भी देता हूं। मैंने अभी हिंदी में एक रूल बोला, जरा बोलो क्या मैंने बोला? कोएफिशिएंट ऑफ एन डजंट मैटर, मैटर नहीं करता, एन का डिग्री, या क्या बोलते, पावर ना, डिग्री बोलूंगा तो भी चलेगा ना, एन का डिग्री मैटर करता है। सुना? तो ऑर्डर ऑफ 2n आया तो भी ऑर्डर ऑफ n ही लिखने का, ऑर्डर ऑफ 5n आया तो भी ऑर्डर ऑफ 500n आया तो भी ऑर्डर ऑफ 500n स्क्वायर आया तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। आपसे मुझे काउंटर क्वेश्चन आना चाहिए था, सर क्यों कोएफिशिएंट क्यों मैटर नहीं करता, क्यों आप सीधा सीधा कोएफिशिएंट को इग्नोर कर दो? एक काम करता हूं स्टूडेंट, मैं ये प्रूफ करता हूं क्यों कोएफिशिएंट को इग्नोर करने का, ठीक है? लेट मी टेक वन एग्जांपल, एग्जांपल है तो एक काम करता हूं उसका कलर अलग ही रखता हूं। सपोज मेरे पास ना दो फंक्शन है, एक एफ वन ऑफ एन है, एफ वन ऑफ एन है सपोज मेरा 500n+3, n का कोएफिशिएंट क्या है इधर, आवाज बोलो यार। और दूसरा एक इक्वेशन है f2 ऑफ n, f2 ऑफ n का वैल्यू सपोज n³+5। सुनो मेरे दो इक्वेशन, चलो अभी दोनों को सॉल्व करते हैं।
अज्यूम करते हैं कि सबसे पहले अगर n का वैल्यू है मेरा 1, n का वैल्यू अगर 1 हुआ, n का अगर मैंने 1 अज्यूम किया, तो मुझे बोला f1 ऑफ 1, सॉरी f1 ऑफ n, मुझे क्या आंसर देगा? 500 प्लस 3, मतलब क्या देगा मुझे? कहने से मुझे देगा 503, अरे बरोबर। f2 ऑफ n मुझे क्या आंसर देगा रे? हाँ, 1 का क्यूब मतलब 1 प्लस 5, 6। मतलब इस केस में, पहले वाले केस में कौन बड़ा है, f1 ऑफ n या f2 ऑफ n? तो कहने से मेरा f1 बड़ा है किससे? मेरे f2 से। मोबाइल में कैलकुलेटर है ना सबके, लगेगा अपने को। सपोज कुछ इटरेशन के बाद मैंने n का वैल्यू लिया 10, चलो f1 ऑफ n मुझे क्या आंसर देगा बताओ? कहने से मुझे देगा 5003, बरोबर। f2 ऑफ n मुझे क्या आंसर देगा बताइए? बोलो ना, 1005। अरे डर की क्यों बोल रहे हो, बरोबर की नहीं? कौन बड़ा है, f1 या f2? मतलब कहने से इस स्टेटमेंट में भी मैं कमेंट कर सकता हूं f1 इज ग्रेटर देन f2। भाइयों मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं क्या रे आज? ना पहले लेक्चर में मैं बहुत घोड़े पे नहीं चढ़ रहा हूं ना, सबको समझा ना मैंने क्या बोला? चलो आगे बढ़ो फिर आगे। सपोज n का वैल्यू है 50, चलिए f1 ऑफ n मुझे बोलिए क्या आएगा? 500 इंटू 50 25,000 प्लस, तो मुझे बोलो ना क्या आएगा? 25,003। अच्छा f2 ऑफ n क्या आएगा? 50 का क्यूब मुझे चाहिए, आवाज नहीं आ रही, 125,000 प्लस 5 ना, तो कहने से 125,005। कौन बड़ा है इस स्टेटमेंट में, f1 बड़ा है या f2 बड़ा है? कहने से f2 इज बिगर, हा या ना? अच्छा आगे जाके 50 के लिए ठीक है, अगर n का वैल्यू मैंने लिया 500, f1 ऑफ n क्या आएगा मुझे बताइए? 500 इंटू 500 250,000, तो कह रहे हैं 250,003। f2 ऑफ n क्या आएगा स्टूडेंट? f2 ऑफ n क्या आएगा पता है स्टूडेंट? समवेयर अराउंड 12 CR के करीब आएगा, 12 करोड़ के करीब आएगा। मतलब आप समझ रहे हो इस केस में भी कौन बड़ा है, f1 या f2? कहने से मेरा f2 बड़ा है। ये एग्जाम्पल से प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मिया, ये एग्जाम्पल से कैन आई कंक्लूड जैसे जैसे n का वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं f2 बढ़ रहा है, बरोबर। f2 में कोएफिशिएंट नहीं था, f1 में कोएफिशिएंट क्या था? 500 था, बरोबर। मतलब जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा कहने से कोएफिशिएंट इनसिग्निफिकेंट बन जाता है। अरे हाया ना, इधर 500 होने दो, 500 n होने दो या 5000 n होने दो, फर्क पड़ेगा क्या 12 करोड़ को? नहीं समझा? तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा कोएफिशिएंट मैटर नहीं करेगा, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा मेरा कोएफिशिएंट मैटर नहीं करेगा, डिग्री मैटर करेगा। समझा? और आपको तो पता है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले बोला था ये कॉम्प्लेक्सिटी का फालतू गिरी हम लोग कब करते हैं, जब n का वैल्यू बहुत छोटा होता है। क्या n का वैल्यू बहुत, तो n का वैल्यू जो बहुत बड़ा होता है कौन मैटर करता है, कोएफिशिएंट या डिग्री? आवाज नहीं आ रहा है? इसके लिए मैंने गोल्डन रूल लिखा कि नॉर्मली कोएफिशिएंट मैटर नहीं करता, कौन मैटर करता है? डिग्री। तो इधर 2n का मैंने ऑर्डर ऑफ n लिखा,
200n होता तो भी मैं ऑर्डर ऑफ एन ही लिखता. इज दिस क्लियर? क्योंकि एन का लू जो बहुत बड़ा होता है, कोएफिशिएंट कुछ भी होने दो, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है. क्लियर एवरीवन? मेरे सारे सम्स सबको समझे? इसके बाद हम एक मिनट, इसके बाद अभी हम लोग चालू करने वाले बबल सॉर्ट. अप टिल नाउ पॉइंट बाय पॉइंट एवरीवन इज क्लियर? हाँ बोलिए, क्या बोले थे आप सर? इसके पहले वाला सम एक बार फिर से समझाइए ना. कौन सा? इसका पहले वाला? हाँ सर. ये वाला? हाँ सर, ये नहीं समझा मुझे. अरे इधर आय का वैल्यू स्टार्टिंग में वन रहेगा, बरोबर? फॉर लूप है ना, नेस्टेड फॉर लूप है. आय का वैल्यू जो वन रहेगा, जे वन से लेके एन तक, मतलब एन टाइम चलेगा, तो आय का वैल्यू वन, जे एन टाइम चलेगा. नेक्स्ट इटरेशन में आय का वैल्यू जब टू बनेगा, जे अगेन एन टाइम चलेगा. आय का वैल्यू थ्री बनेगा, जे एन टाइम ही चल रहा है ना. ऐसा आय का वैल्यू एन तक जा रहा है, तो एन हो रहा है एन टाइम्स. इसके लिए एन इंटू एन, दैट्स द ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. ओके सर, समझ गया. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखिए. फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉलोइंग कोड्स. चलिए वो तीनों एग्जाम्पल लिख दीजिए. एग्जाम्पल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नहीं इधर से, नहीं सॉरी इधर से ना. हाँ जस्ट कम.
गोल्डन रूल्स लिख दीजिए. गोल्डन रूल्स मतलब क्या है? मेरे रूल्स खुद के, कोई कंडीशन को इग्नोर करने का. ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट हमेशा ऑर्डर ऑफ वन होता है एंड कोएफिशिएंट मैटर नहीं करता है, इनका डिग्री मैटर करता है. ओके डन. अच्छा चलिए फिर अभी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं अपने सॉर्टिंग टेक्निक्स के. जैसे मैंने बोला अपने चैप्टर नंबर वन में टोटल तीन, ये लिखा अपने लास्ट वाला एग्जांपल भी. जैसे मैंने बोला, ऑनलाइन स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो. हाँ सर आ रही है. हाँ जैसे मैंने बोला अपने चैप्टर नंबर वन में अपने को टोटल तीन सॉर्टिंग टेक्निक्स देखने. आज उसमें से पहला देखेंगे, नेक्स्ट दो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके यार, जो मेरा पहला सॉर्टिंग टेक्निक जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट का ना स्टूडेंट मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्जर्व करना है. बबल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले मुझे बबल सॉर्ट का लॉजिक लिखना पड़ेगा, अल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, तब उस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं निकाल सकता हूं. राइट है ना? चलिए, बबल सॉर्ट कैसे होता सबको याद है? बबल सॉर्ट याद है सबको? अच्छा क्विकली रिवीजन करते हैं पहले बबल सॉर्ट का. बबल सॉर्ट में पता है ना, पहली बात तो आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं और आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है. सपोज मेरे पास टोटल 5 नंबर्स है, लेट्स सपोज मेरे एन का वैल्यू है 5 एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एरे को सॉर्ट करना होता है ना मुझे सॉर्टिंग टेक्निक्स में. सपोज मेरा पहला नंबर है 10, नेक्स्ट नंबर है मेरा, सपोज इधर मैं लेता हूं 2, नेक्स्ट नंबर है मेरा 8, नेक्स्ट नंबर है 6, नेक्स्ट नंबर है मेरा 7. दिख रहा है सबको मेरे नंबर? आपने देखा मैंने नंबर रैंडमली लिखे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना. बबल सॉर्ट के दो रूल्स होते हैं, आप याद करो, आपके सीपी के टीचर ने आपको पढ़ाया रहेगा. रूल नंबर 1, चेक करो कि दो एलिमेंट ऑर्डर में है या नहीं. ऑर्डर में मतलब समझ में आता है ना, लेफ्ट वाला छोटा राइट वाला बड़ा. अगर ऑर्डर में है तो उनको वैसे ही छिड़को, लेकिन अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो उनको एक दूसरे के साथ स्वैप करो. शैल आई बिगिन? चलो पहले दो नंबर, कौन से पहले दो नंबर है बताइए मुझे, आर दे इन ऑर्डर? क्या करो, मतलब इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 10, बरोबर. रेस्ट एलिमेंट एज इट इज, बरोबर. अपनी गाड़ी अभी आगे ढकेलो. नेक्स्ट दो नंबर 10 और 6 आगे ना, अभी आर दे इन ऑर्डर? क्या करो, तो कहने से इधर कौन आएगा 6, इधर आएगा 10. रेस्ट एलिमेंट स्टूडेंट एज इट इज, ओए समझा क्या? नेक्स्ट जो नंबर, अभी आप बोलो चिल्ले ली, क्या वेट कर रहे हो? 10 एंड 7 आर दे इन ऑर्डर? क्या करो, तो इधर आएगा 8, 6, 7, 10, 2. नेक्स्ट जो नंबर जल्दी जल्दी, आर दे इन ऑर्डर? तो क्या आएगा बताइए, 8, 6, 7, 2, 10. आप याद करो 10 के साथ अभी कंपेयर करने के लिए कोई बचा है क्या आगे? या 10 के साथ कोई कंपेयर करने के लिए बचा नहीं है, मतलब मेरा एरे खत्म हो गया. और याद करो जब एरे खत्म हो जाता है आपको आपका पास नंबर 1 मिलता है. क्या मिलता है आपको? बबल सॉर्ट में पास नंबर 1 में हाईएस्ट एलिमेंट उसकी जगह पे आ जाता है. देखो ना 10 हाईएस्ट एलिमेंट है, 10 को अपनी जगह मिल गई, अभी मुझे 10 को टच करने की जरूरत नहीं है. समझा? पास 2 के लिए मैं फिर से ना ऐसे चालू करूंगा. चलो पास 2 के लिए खेलो फिर से. कौन दो एलिमेंट? सब लोग की आवाज, आर दे इन ऑर्डर? क्या करो, क्या आएगा बनाइए, 6, 8, 7, 2. 10 तो ऑलरेडी बक्से में आ गया, अभी उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. लिख देता हूं चाहे तो फिर से 10. नेक्स्ट दो एलिमेंट कौन कौन से? आर दे इन ऑर्डर? क्या करो, अरे बोलो, 6, 7, 8 और 2. 10 तो ऑलरेडी है, ठीक है. नेक्स्ट दो नंबर कौन कौन से? आर दे इन ऑर्डर? क्या बोलो, 6, 7, 8 के साथ कंपेयर करने के लिए कोई है क्या अभी?
ऐसे 8 के साथ कोई कंपेयर करने के लिए नहीं है, तो इधर मुझे मिल गया मेरा पास नंबर 2। आपने नोटिस किया पास 1 में हाईएस्ट एलिमेंट अपने जगह पे मिला था, पास 2 में सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट अपनी जगह पे आ जाता है, मतलब समझा। पास 3 में अभी मुझे उसको फिर से टच करने की जरूरत नहीं है। चलो पास 3 के लिए फिर से चालू करो खेलना। बोलो कौन से दो नंबर आर दे इन ऑर्डर? यस, तो स्वैप होगा क्या? नहीं, आगे बढ़ो। कौन से दो नंबर आर दे इन ऑर्डर? क्या करो तो मुझे बोलो एरे कैसा बनेगा? 6, 2, 7। 8 तो ऑलरेडी बक्से के अंदर आ चुका है, 7 के साथ कोई है क्या और कंपेयर करने के लिए? तो क्या बरोबर बॉक्स के अंदर कौन आएगा? 7। और इधर मुझे मिलेगा मेरा पास नंबर 3। चलो नेक्स्ट दो नंबर कौन से आर दे इन ऑर्डर? क्या करो? अरे सब सिखाया था मैंने सीपी के अंदर। बोलो क्या बनेगा? अरे मेरा 2 और 6। 6 के साथ कोई कंपेयर करने के लिए है क्या आगे? तो बॉक्स के अंदर कौन आएगा? और कहने से इधर आएगा मेरा पास नंबर 4। अच्छा बाकी कौन रह गया? सिर्फ बोलो ना जोर से, 2 बाकी रह गया, 2 के साथ और कोई नहीं बाकी ना, तो इधर मुझे मेरा प्रॉब्लम करना पड़ेगा स्टॉप। कैन यू ऑब्जर्व? मेरा एरे शॉर्ट हो गया। क्या शॉर्टेड एरे मेरा बताइए? 2, 6, 7, 8, 10। अरे हा या ना यार, इससे एक बात मुझे अधोरेखित करनी ये है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? काउंट कर रहे कितने थे? दिमाग की बत्ती जलाओ जरा, कितने थे? तो 5 नंबर के लिए मुझे टोटल कितने पास लगे? अगर 10 नंबर होते, ऑनलाइन स्टूडेंट आप आंसर दो, कितने पास लगते हैं मुझे? 9। बराबर, कितने पास लगते हैं मुझे? 9। 100 नंबर होते तो 9। n नंबर के लिए कितने पास लगेंगे? n-1। तो बबल शॉट का गोल्डन रूल वही है, बबल शॉट में आपको कितने पास लगते हैं? n-1। जोर से बोलो कितने पास लगेंगे। इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी मैं बबल शॉट का लिख रहा हूं अल्गोरिदम। स्टूडेंट प्रोग्राम नहीं, बबल शॉट का अल्गोरिदम मतलब क्या पता है क्या? पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना है मुझे, मेन बबल शॉट का फंक्शन लिखना है। अस्यूम करता हूं कि फंक्शन का नाम रहेगा बबल करके। क्या रहेगा फंक्शन का नाम? फंक्शन का नाम आपको पता है सी के अंदर कुछ भी हो सकता है। इधर मैंने फंक्शन का नाम क्या अर्जुन क्या? बबल। अच्छा बबल फंक्शन को मुझे क्या क्या देना पड़ेगा? ये ले भाई सॉर्ट करके दे। कहने से बबल नाम के फंक्शन को मुझे पहली बात तो एक एरे पास करना पड़ेगा, और सी का कोड लिखता हूं ना मैं, जावा होता तो उसके अंदर लेंथ करके प्रॉपर्टी होता है एरे का, सी के अंदर लेंथ नहीं है। इसके लिए याद करो सी में जब जब एरे पास करते हो एरे के साथ उसका साइज भी पास करना पड़ता है। क्या पास करना पड़ता है उसका? तो स्टूडेंट याद रहेगा सबको बबल फंक्शन को मैंने क्या क्या पास किया? एरे और चलिए इस फंक्शन के अंदर हम लोग इसका अलगो लिखते हैं। इस बार सारे अलगो सूडो कोड अलगो है, मतलब आपको फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं क्या? पक्का कुछ नहीं समझो मुझे उधर ही बोल दीजिए। फाइन चालू करते हैं। आप एक बात तो याद ही रखो, अपने चैप्टर नंबर 1 में अभी बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट है। चैप्टर नंबर 2 में डिवाइड एंड कॉन्कर करके चैप्टर है ना, उसके अंदर अपने को देखना है मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। तो टोटल 5 सॉर्टिंग टेक्निक्स है। रूल क्या है पता है स्टूडेंट? सॉर्टिंग टेक्निक कोई भी होने दो, एक बात दिमाग में फिट करके रखो, हर सॉर्टिंग में आपको 2 फॉर लूप यूज करनी है। एवरी सॉर्टिंग कंटेंस 2 फॉर लूप। तो मैं ज्यादा बड़बड़े नहीं करता, बबल सॉर्ट के अंदर भी 2 फॉर लूप लगने वाला है। मैं क्या बोलता है, अगर मुझे पता है 2 फॉर लूप लगने वाला है तो 2 वेरिएबल इधर ही डिक्लेयर कर देता हूं स्टार्टिंग में। कौन कौन से? आवाज जरा चढ़ाओ ना जरा।
और सबको पता है बबल सॉर्ट में करने से मुझे समय समय पे स्वैपिंग भी करना है इधर, अगर ऑर्डर में नहीं है तो। आपको तो पता है स्वैपिंग करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, टेम। तो मैंने तीन वेरिएबल बना के रख दिए भाई स्टार्टिंग में, कौन कौन से, मैं मॉडिफाइड बबल सॉर्ट यूज नहीं कर रहा, मैं एकदम सिंपल बबल सॉर्ट यूज कर रहा हूं। बबल सॉर्ट का जो पहला फॉर लूप होता है ना वो हमेशा पासेस के लिए होता है। पहला फॉर लूप किसके लिए होता है, हमेशा पासेस कितने होते हैं बबल सॉर्ट में, मैंने अभी अभी बोला था ना कितने होते हैं। तो ऐसा फॉर लूप बना के दो जो एन माइनस वन टाइम चले। तो इधर मैं लिखूंगा फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, नॉर्मली हमको जीरो से चालू करता है एरे में, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन लिखा तो कहां से कहां तक जाएगा रे, जीरो से आवाज, जीरो से एन नहीं, लेस देन एन लिखा मैंने स्टूडेंट, जीरो से एन नहीं जाएगा, अच्छे से बोलो, एन माइनस वन ए, लेकिन जीरो से एन माइनस वन एन टाइम्स होता है। अरे सपोज एन कर लो टेन है तो जीरो से नाइन टेन टाइम्स होता है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अरे भाई वो आया ना, नहीं ना एन टाइम नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाना चाहिए। तो मैं लेस देन एन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेस देन एन माइनस वन आई प्लस प्लस। चलो अभी ट्रैक करो कहां से कहां तक जा रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, जीरो से एन माइनस वन मतलब कितनी बार होता है, अरे जीरो से एन, जीरो से एन माइनस वन एन टाइम होता है, ये जीरो से लेस देन एन माइनस वन है मतलब एक्चुअली जीरो से एन माइनस टू है। जीरो से एन माइनस वन अगर एन टाइम होता है तो जीरो से एन माइनस टू कितनी बार होता है, अरे कितनी बार होगा एन माइनस वन, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए आपको। अभी मैंने बोला जीरो से एन माइनस वन कितनी बार होता है एन, तो जीरो से एन माइनस टू कितनी बार होगा, तो ये एन माइनस वन टाइम ही जाना चाहिए ना क्योंकि पास के लिए। अरे भाई वो हाँ या ना, पक्का, अच्छा पास वाला फॉर लूप ये हुआ। अंदर मुझे लिखना पड़ता है जे वाला फॉर लूप। किसी ने मुझे पूछा सर जे वाला फॉर लूप क्यों, तो मैं हमेशा बोलता हूं जे वाला फॉर लूप का काम होता है कंपेयर करना। ये सब याद करो, मैं सीपी के अंदर भी आपको पढ़ाता था जे वाला फॉर लूप का काम क्या होता है, हमेशा कंपेयर। मुझे बोलो कंपेरिजन चालू कहां से किया था आपने, स्टार्टिंग में टेन से चालू किया था, मतलब जीरो से चालू किया था ना, तो कहने से जे भी मुझे चालू करना पड़ेगा जीरो से। कहां तक कंपेयर किया था आपने, कहां तक कंपेयर किया था आपने, कहने से सारे के सारे एन माइनस वन एलिमेंट आपने कंपेयर किए थे, तो इधर भी मुझे लेके जाना पड़ेगा जे लेस देन एन माइनस वन, आगे जे प्लस प्लस। अरे फिर से बोलू क्या, ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, कितनी बार चलेगा एन माइनस वन टाइम चलेगा, कितनी बार चलेगा, अरे सेम ही ना लिमिट आई के जो है वही जे के, स्टूडेंट यस और नो, अंदर बबल सॉर्ट याद है सबको, सबसे पहले पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ आपने क्या किया था, कंपेयर करने के लिए कौन है, आई है या जे है, तो कहने से सबसे पहले आपने कंपेयर किया था ए ऑफ जीरो को, ए ऑफ जीरो को ए ऑफ वन के साथ, मतलब कहने कमेंट आपने सबसे पहले कंपेयर किया था जीरो मतलब जे ना मेरा, तो आपने कंपेयर किया था ए ऑफ जे को ए ऑफ जे प्लस वन के साथ कंपेयर किया था, मतलब इधर मुझे लिखना पड़ेगा इफ, कहने से इसमें ए ऑफ जे में और ए ऑफ जे प्लस वन में अगर मेरा पहला एलिमेंट बड़ा है, कौन बड़ा है मेरा, नाम क्या उसका ए ऑफ, तो मुझे करना पड़ेगा स्वैप। बोलो स्वैपिंग की तीन स्टेटमेंट तो अभी आती है, बोलिए क्या आएगा, हाँ टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ जे, आगे ए ऑफ जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस वन, आगे प्लीज बोलो ए ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू क्या टेन। इधर मेरा इफ खत्म, बरोबर, अगर ऑर्डर में है तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, बरोबर,
तो याद करो बबल सॉर्ट में else पार्ट नहीं होता था, इधर मेरा if खत्म, इधर मेरा j वाला for loop खत्म, इधर मेरा i वाला for loop खत्म, and trust me यहाँ पे मेरा बबल नाम का फंक्शन भी खत्म. You got my function? सबको समझा? दो क्वेश्चन का आंसर दो. I वाला for loop क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरी गुड, क्या रिप्रेजेंट करता है? J वाला for loop क्या रिप्रेजेंट करता है? I वाला for loop कितनी बार चलेगा? एक ही आंसर चाहिए. बरोबर, J वाला for loop कितनी बार चलेगा? बरोबर. तो ये रहा मेरा उसका अल्गोरिदम. ट्रस्ट मी ये एरे को सॉर्ट करके देगा. आप घर जाके इसका प्रोग्राम ट्राई कीजिए, ये एरे को सॉर्ट करके देगा. सुना? डेटा स्ट्रक्चर में काम इतना ही था. एओए में अपने को इसका अभी निकालना है कॉम्प्लेक्सिटी. क्या निकालना है मुझे इसका? तो स्टूडेंट अभी मैं इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालता हूं, अभी मैं इसका एनालिसिस करता हूं. मुझे स्टेप नंबर वन बोलो, टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने थे बबल सॉर्ट में? एन माइनस वन. सबका एक ही आंसर चाहिए और जोर से चाहिए मुझे अभी. लास्ट है, चलो बोलो. एन माइनस वन. बरोबर. स्टेप नंबर टू में मैं क्या लिख रहा हूं एकदम ध्यान से देखो. You are supposed to tell me number of iteration in pass one. Pass one में कितने iteration हुए? एक मिनट, बिल्कुल घाई मत करो. Pass one मतलब आई का starting value क्या रहेगा? Pass one मतलब आई का starting value क्या रहेगा? Zero. अंदर आएगा कौन मिलेगा उसको? कहां से कहां तक जा रहा है? आवाज नहीं आ रहा है. जीरो से. तो जब पास वन रहेगा, पास वन मतलब आई का लूप क्या रहेगा? मेरा ये जे वाला लूप कितनी बार चलेगा? एक ही आंसर चाहिए सबका. आंसर दो मुझे. आप बराबर बोल रहे हो, कितनी बार चलेगा? तो नंबर ऑफ इटरेशन इन पास वन क्या लिखूंगा मैं? अरे बोलो ना. बरोबर. फिर से नंबर ऑफ इटरेशन इन पास टू. पास टू में आई का वैल्यू क्या रहेगा? रे अंदर आएगा. दिख रहा है मेरा कर्सर किधर है? जे वाला कहां से कहां तक जाएगा? आवाज नहीं आ रहा. जीरो से लेस देन एन माइनस वन मतलब कितनी बार. तो कैन आई कमेंट स्टूडेंट, पास टू में भी एन माइनस वन इटरेशन हो रहे हैं? पास टू में भी एन माइनस वन इटरेशन हो रहे हैं? अभी कड़ी से कड़ी मिलो ना. बार बार किधर मुझे ऊपर जाने को बोल रहे हो? मुझे बोलो नंबर ऑफ इटरेशन इन पास थ्री हाउ मेनी? एन माइनस वन. नंबर ऑफ इटरेशन इन पास फोर एवरी वन? नंबर ऑफ इटरेशन इन पास फाइव? नंबर ऑफ इटरेशन इन पास सिक्स? ऐसे कितने पासेस है मेरे पास? वन नंबर देखिए. तो लास्ट वाला बोलो क्या आएगा? नंबर ऑफ इटरेशंस इन पास क्या? एन माइनस वन पास के लिए भी कितने इटरेशन रहेंगे? बरोबर, कितने रहेंगे? तो मुझे बोलो टोटल कितने इटरेशन हो रहे हैं? एन माइनस वन इटरेशन हो रहे हैं. लेकिन एन माइनस वन कितनी बार? तो कैन आई से स्टूडेंट, एन माइनस वन इटरेशन हो रहे हैं कितनी बार? एन माइनस वन टाइम. बबल सर का कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं हम लोग. समझ रहे हैं सबको यार? ये तो सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, इसको तो मैं फोड़ सकता हूं ना. बोलो क्या आएगा इसका आंसर? एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 बरोबर. कहने से मुझे मेरा f ऑफ n मिला. थोड़ी देर पहले आपने वो बोला गोल्डन रूल, सर हमने लिखा है नोटबुक के अंदर गोल्डन रूल. लास्ट वाला रूल क्या बोलता है? कोएफिशिएंट मैटर नहीं करता. तो इस इक्वेशन में पावर डिग्री क्या है मुझे बोलो? बरोबर, क्या है?
इसके लिए मैं कमेंट करूंगा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर इज माय बबल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. खत्म गया. सबको समझा? क्लियर? कुछ भी डाउट है किसी को? हेलो सर, कंप्लीट करेंगे. बोलिए ना. yes, sir. सर ये एन स्क्वायर माइनस टू एन है पर कोएफिशिएंट मैटर नहीं करता तो एन स्क्वायर माइनस एन होएगा ना? क्या ये एन स्क्वायर माइनस टू एन है पर कोएफिशिएंट मैटर नहीं करता है तो एन स्क्वायर माइनस एन होना चाहिए ना? हाँ, तो एन स्क्वायर माइनस एन, लेकिन हाईएस्ट डिग्री देखेंगे हम लोग हमेशा. हाईएस्ट डिग्री एन स्क्वायर है ना? ओके सर. हाँ बोलिए. माइनस क्या? माइनस टू एन प्लस वन ना. देख n का हाईएस्ट डिग्री मैटर करता है तो माइनस टू एन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. डिग्री ज्यादा है ना इसका, n स्क्वायर है तो डिग्री लिखने का. अगर n क्यूब प्लस टू एन स्क्वायर वगैरह होता तो भी मैं n क्यूब लिखता, हाईएस्ट डिग्री लिखने का. बबल सॉर्ट लिखा आपने, एक मिनट, बबल सॉर्ट लिखा. मैं चाहता हूं कि आपको कुछ आता नहीं था, जैसे मैंने आपके चेहरे देखे, आप एग्जाम्पल भी लिखिए, अल्गो भी लिखिए एंड कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट भी लिखिए, तीनों लिखिए. एग्जाम में सिर्फ अल्गो एंड कॉम्प्लेक्सिटी. सर जे लेस देन एन माइनस आई होता है ना शायद से? वो मॉडिफाइड बबल सॉर्ट में होता है, ये हमने नॉर्मल बबल सॉर्ट यूज किया. ये भी कर बबल सॉर्ट का ही काम करता है, चलेगा ये भी? ओके सर. वो करने जाएंगे ना तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट होता है कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, तो ये सिंपल वाला हमने यूज किया बबल सॉर्ट का. सर बबल सॉर्ट का डेफिनेशन क्या बोलेंगे अगर पूछा तो? बबल सॉर्ट का डेफिनेशन नहीं है कुछ. बबल सॉर्ट बेसिकली सॉर्ट करता है एलिमेंट को, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है. ठीक है सर. तो एवरी सॉर्टिंग इज यूज्ड टू अरेंजिंग द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. थैंक यू सर. यस. नेक्स्ट टाइम से AOA के लेक्चर में यू नीड टू कैरी द कैलकुलेटर्स. हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट, सुना आपने मैंने क्या बोला? यस सर. घर पे रहते हैं. एन मायनस आय घेतली मी शिकवलं, मला माहिती आहे ना, त्याला मॉडिफाईड बबल सॉर्ट बोलतात. हा आपण मॉडिफाईड नाही यूज केला, आपण नॉर्मल वाला यूज, तो मॉडिफाईड होता. त्याच्यामध्ये काय होतं माहितीये का, पास मध्ये जो मिळतो ना त्याला आपण इग्नोर, म्हणजे त्याला आपण नेक्स्ट पासला परत कन्सिडर नाही करत, इकडे होईल तो. पण ठीक आहे, त्याने कॉम्प्लेक्सिटीला काय फरक पडत नाही.
बरं मला परत कशाला डोक्याला ताप करून घ्यायचं पण आपला हा हा सिम्पल आहे ना लक्षात ठेवायला दोन्ही फॉर लूपची लिमिट सेमच आहे. ये कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के स्टेप्स भी याद रखिए बाकी दोनों सॉर्टिंग में भी अपने को सेम तरीके से जाना है. तो n माइनस वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं कितनी बार n माइनस वन टाइम्स. तो अभी से n माइनस वन इंटू n माइनस वन ही होगा ना फिर डन. चले आज पहले लेक्चर में इतना ही देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स ओके. कल भी है ना लेक्चर में कल पाइथन का लेक्चर है मेरा ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. चलो बाय एवरीवन टेक केयर थैंक यू. हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट इज इट डन. यस सर. चलो यस सर. इंजीनियरिंग वन जूम सुबोध जी कौन है यू कैन क्लोज द सेशन. ओके सर थैंक यू बाय. थैंक यू बाय.